अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन की वजह से कारोबारी सरगर्मियों पर किस हद तक मनफी असरात मुरतब हुए हैं, इस वक्त हमारा नुमाइंदा शाहिद सईद वड्डू सदर बाजार हवेली लखा में मौजूद है। मज़ीद अहवाल जानते हैं उनसे। जी शाहिद बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हवेली लखा के सदर बाजार में। जैसा की डेढ़ माह से हुकूमत ने कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन कर रखा था और उस लॉकडाउन की वजह से किस हद तक दुकानदारों के कारोबार मुतासर हुए हैं, तो आइए हम बाजार के दुकानदारों से पूछते हैं कि किस हद तक उनके कारोबार मुतासर हुए हैं। ये बताएं कि जब से ये लॉकडाउन हुआ है कोरोना की वजह से, तो आपकी दुकानदारी या दुकानदारों की दुकानदारी किस हद तक मुतासर हुई है? दुकानदारी जब से लॉकडाउन हुआ है बिल्कुल तबाह हो गई है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, दुकानदार बहुत परेशान है। ये जो लॉकडाउन है तकरीबन दो माह से है, डेढ़ दो माह हो गए इसको, और तमाम दुकानदार पिसके रह गए हैं और बड़ी बुरी तरह तमाम कारोबार छोटे बड़े तमाम मुतासर हैं, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बुरा हाल है दुकानदारों का। तकरीबन एक डेढ़ माह से जो कारोबार है बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और अब हुकूमत ने थोड़ी सी नरमी की है, लेकिन उस नरमी से अभी तक कस्टमर की जो रेशो है वो दुकान पर ज़्यादा नहीं है। दुकानदारों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, तकरीबन डेढ़ महीने तो दुकाना बंद नूँ, तो लिहाज बहुत कारोबार ठप हो गया है, ना कोई कस्टमर है ना कोई दुकानदारी का सिलसिला चल रहा है, अच्छे खासे लोग फाका कशी का शिकार। जनाब इस वक्त मैं हार्ट का मरीज है, मेरी शुगर भी है, मेरी बच्ची मिल गई मरीज है, तो मेरा खर्चा बहुत सी, तो मैं किसी को मांग तंग तो मैं पूरा करता पिया, मैं आज कपड़े दुकान तक के फट्टा लाए बैठा, मेरे को कोई पैसा नहीं है। इस लॉकडाउन की वजह से कारोबार ख़त्म हो गए हैं, दुकानें ख़त्म हो गई हैं, लोग बहुत ही गुर्बत हमारे इलाके में, ईद आ रही है, लॉकडाउन थोड़ा तक ख़त्म करना चाहिए, लोग रोज ही कमा सकते। शाह सही साहब, कारोबार तो काफ़ी हद तक मुतासर हुए हैं, गरीब आदमी जो ना छोटे दुकानदार हूँ उनका काफ़ी अस्पताल हुआ है, तो उनकी पोजीशन के लिए ना काफ़ी कमज़ोर होगी, तो हम जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो काम करने वाले हैं वो काफ़ी अजीब और परेशानी से दूर जा रहे हैं, तो अब आप नास इंतहाई कर्ब और अजियत का शिकार है। छोटे दुकानदारों को तो परेशानी का क्या कहना, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो मुलाजमी दुकानों पे काम करते हैं, वो उनकी परेशानी का तो क्या कहना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह आसानियाँ फरमाए, समूदी अजाब से हमें निजात दिलाए, आने वाले दिन जो हमारे लिए मुफीद और बेहतरी का पेशनामा साबित हों, मैं तो बस आपको यही कहना चाहूँगा। जी आपने हवेली लखा बाजार के दुकानदारों के तासरात सुने कि कोरोना वायरस की वजह से जो हुकूमत ने लॉकडाउन किया था उस लॉकडाउन की वजह से किस हद तक उनके कारोबार मुतासर हुए हैं। दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन में नरमी की जाए ताकि कस्टमर शहर का रुख करें, दुकानों का रुख करें और खरीदो फरोख्त हो और हमारे बच्चों की भी ईद हो जाए। शहद सईद वट्टू N22 न्यूज़ हैदर सुलेमान की।